आज एक अलग वीडियो होने जा रहा है जहां पे मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया दूंगा। स्टॉक मार्केट मतलब बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे कंपनीज के रहते हैं, लेकिन स्पेशली हम फार्मा के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में फार्मा के अगर आपको स्टॉक पिक करने हैं तो उसके लिए कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे, हम पूरा एनालिसिस करेंगे हर एक कंपनी के स्टॉक का, उसकी इन्वेस्टमेंट का, बहुत सारी चीज़ों पर गौर करेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल डिसाइड कि कौन से वो 5 स्टॉक, टॉप 5 स्टॉक्स है जो NSE के बारे में बताऊंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कि आपको कौन से पिकअप करने चाहिए इस दिनों में। तो ये वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में एनालिसिस करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो उससे पहले एक आपको नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अनअकैडमी की तरफ से 3 सीरीज की आज मैं अनाउंसिंग कर रहा हूँ। तो उसमें पहली सीरीज PYQ सीरीज। अब PYQ सीरीज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ही जरूरी है, जहाँ पे आपको वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सीरीज बहुत ही अहम है आप सभी के लिए जो IIT एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये 5 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक, 10 AM to 10 PM तक ये सीरीज लाइव है, इसका आप फायदा ले सकते। नेक्स्ट सीरीज है फ्लैश कार्ड सीरीज। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इसका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट टिप्स ट्रिक्स ये हमारा ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको देंगे। ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको कि कैसे सिलेबस कवर किया जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। तो ये सीरीज 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक। और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज है TIFR मैराथन। TIFR मैराथन टीफर एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स ये सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ये 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक ये सीरीज लाइव है। तो इस सभी सीरीज का फायदा लीजिए। हमारा कोड है TBA10, ये हमारे हर एक अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे यूज आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो जहाँ पे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की जरूरत रहती है वहाँ पे TBA10 कोड आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू। इंडिया की टॉप 10 फार्मा कंपनीज कौन सी है, उसमें से पहले सन आता है, डीवीज लैब, सिप्ला, अल्केम, डॉक्टर रेड्डीज, उसके बाद टोरंट, कैडिला, ऑरोबिंडो। मैंने इस पे वीडियो बनाया जो टॉप 10 इंडियन कंपनीज कौन सी है, ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें हम हर एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली कौन से भी स्टॉक पिकअप करने से पहले आपको कंपनी की हिस्ट्री देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको मालूम होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे फंड, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं NSE में, लेकिन आपको कौन से स्टॉक पिकअप करनी चाहिए वो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही अहम रहेंगे। हर एक कंपनी के कुछ एनालिसिस करेंगे हम और उसके बाद मैं बताऊंगा टॉप 5 स्टॉक। तो मैं स्पेशली डील करता हूं Zerodha, ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, जहां पे मुझे पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसके थ्रू ही मैं आपको एनालिसिस करूंगा, हर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन वहां से ले लूंगा। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, ये आप आज के दिन की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आप देखिए, एनालाइज करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहले 10 कंपनीज में यहां पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, सन फार्मा, ऑरोबिंडो, बायोकॉन, अल्केम, सिप्ला, डिवीज, कैडिला हेल्थ, लुपिन, टोरंट, डॉक्टर रेड्डीज, ये कंपनीज है। तो इसमें आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दिख रही होगी, लगभग 1,41,22,800 486, ये सन फार्मा का मार्केट कैप है। तो इससे पूरा डाउन आके हम देख सकते कि लगभग 42,676 तक ये पूरे मार्केट कैप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हो गया पूरे डिटेल में एनालिसिस की कौन सी कंपनी अभी टॉप पे चल रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो अब डिटेल में बात करेंगे, पहले मैं बताता हूँ सन फार्मा के। सन फार्मा के अगर हम देखेंगे कि ये डिटेल में जानेंगे कि क्या उसकी अभी की फंडामेंटल्स क्या है, तो जैसे आप Zerodha ही अकाउंट में जाते हैं तो फंडामेंटल्स में जाने के बाद आपको ऐसा चार्ट दिखेगा। तो 1 मंथ में आपको रिटर्न चाहिए तो -75% दे रहा है, 1 ईयर में 30.24% ये देते हैं,
और उसके बाद पीई और पीबी, ये पीई है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन करंट प्राइस और पर शेयर अर्निंग इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होती है, तो वो है पीई 37.36। अब बात करते हैं पीबी, अब नेक्स्ट है पीबी, पीबी मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू बुक रेशियो एक्चुअली प्राइस का स्टॉक विथ इट्स अकाउंटिंग वैल्यू ये कंपेयर करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पैरामीटर, हर एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.68% है, शेयर होल्डर 6.5 लाख है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई जा रहा है 628, ये शेयर प्राइस है अभी डेट का, इस डेट से 52 वीक तक जिस दिन हाई गया था उसकी वैल्यू है 628, लो गया था उसकी वैल्यू है 312। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे आप देख रहे हैं 1,40,649 करोड़, ये इसकी मार्केट कैप। और ये ग्राफ भी आप देख रहे हैं, जैसे मैं जीरोदा में ग्राफ भी दिखाते हैं कि कैसे शेयर डाउन हो रहे हैं अप हो रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे डाउन होके फिर से अप हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक अच्छा साइन है, यहाँ पे और भी अप हो जाएंगे। और सन फार्मास्यूटिकल वेल नॉमिनेटेड फंडामेंटल्स कंपनी है, तो आगे जाके मैं टॉप 5 बताऊंगा, लेकिन ये तो सन के बारे में हो गया। नेक्स्ट आती है ऑरोबिंडो, तो ऑरोबिंडो के बारे में बात करते हैं। तो ऑरोबिंडो में फंडामेंटल्स की बात जाने के बाद यहाँ पे पता चल जाता है 1 मंथ के रिटर्न आपको 0.02% ही मिलते हैं, 1 ईयर के 78.43, उसके बाद पी रेशियो 18.74, 3.16 पीबी रेशियो है, यील्ड है डिविडेंड यील्ड 0.33%, शेयर होल्डर्स 2.2 लाख। और यहाँ पे हाई शेयर गए 1023, 288 है लोवेस्ट शेयर है। तो एक्चुअली ये आप ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि अभी क्या चल रही है कंडीशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे डाउन में गए हैं, यहाँ से अब भी जाएंगे, इसका मतलब क्या है, जो भी फार्मा इंडस्ट्री में जो भी स्टॉक आप ले रहे हैं ना वो ब्लू चिप होता है, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे रहते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स तो आने ही वाले रहते हैं, अपकमिंग प्रोडक्ट, इसमें डिपेंडिंग क्या रहता है, USFDA का इंस्पेक्शन अगर हो गया, कुछ न्यूज़ आती है, गुड न्यूज़ आती है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, तो डेफिनेटली इसके शेयर प्राइस और भी बढ़ते रहते हैं। अब बायोकॉन कंपनी के बारे में बात करते हैं, बायोकॉन कंपनी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 मंथ के रिटर्न -19.26 है, 1 ईयर के 25% है, पी रेशियो 59.63 है और पीबी रेशियो 6.04 है, तो ठीक है, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, शेयर होल्डर्स 2.6 लाख, और बाकी मार्केट के आप और 52 वीक हाई और 52 वीक लो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे अल्केम के 1 मंथ के रिटर्न 2.79%, 1 ईयर के 30.74%, पी रेशियो 31.9, पीबी रेशियो 5.70, शेयर होल्डर्स 98,600 है, और वो तो आप मार्केट के आप 52 वीक हाई 52 वीक लो ये देख रहे हैं। तो ये अल्केम का अगर ग्राफ देखते हैं आप, तो ग्राफ में भी आपको पता चल जाएगा कि अभी कहाँ पे पोजीशन आ गई है अल्केम की। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राफ, अभी करंट सिनेरियो करंट कंडीशन की कंडीशन है, तो इसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सिप्ला के देख सकते हैं आप यहाँ पे फंडामेंटल्स, 1 मंथ के रिटर्न 0.25%, 78.94%, 1 ईयर के रिटर्न ये देता है, इट्स वेरी गुड, एंड देन पी रेशियो 43.04, 4.15 पी बी रेशियो, एंड शेयर होल्डर 3.6 लाख, एंड देन अदर थिंग्स यू कैन सी एज इन द सीन इन द स्क्रीन। एंड सिप्ला के अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए ऐसे ग्राफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी आती है डिवीज लैब के बारे में, ये देखिए 1 मंथ के रिटर्न -10.95%, 1 ईयर 71.82% देती है, पी रेशियो 64.99, पी बी रेशियो 12.24, एंड डिविडेंड यील्ड 0.47%, शेयर होल्डर 1.6 लाख, तो ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी आती है कैडिला हेल्थ। अब कैडिला हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो ये देख रहे हैं आप 1 मंथ के रिटर्न -5.81%, 1 ईयर के 65.08%, पी रेशियो 39.28, पी बी रेशियो 3.95, शेयर होल्डर 2 लाख, एंड देन अदर थिंग्स यू कैन सी इन दिस वीडियो इन दिस स्क्रीन एक्चुअली। सो इसके बाद आती है अब लुपिन के बारे में बात करते हैं, लुपिन के 1 मंथ के रिटर्न 3.11%, 1 ईयर 35.28%, देन पी रेशियो -169.34, 3.63 ये पी बी रेशियो है, बाकी शेयर होल्डर्स 3 लाख, एंड डिविडेंड यील्ड 0.60, एंड यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो
हाउ लुपिन वर्क्स राइट नाउ। देन नेक्स्ट कंपनी है टोरेंट फार्मा। अब टोरेंट फार्मा के बारे में जानते हैं। टोरेंट फार्मा के फंडामेंटल्स, वन मंथ में -5.46%, वन ईयर में 34.61% रिटर्न देता है, पी 43.07, पी बी 9.15, शेयर होल्डर 66.9000 एंड अदर थिंग्स। ये टोरेंट का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो टोरेंट ऐसे अभी करंट में ऐसी ग्राफ दिखाई दे रही है उसकी। डॉक्टर रेड्डीज के फंडामेंटल्स देखते हैं, वन मंथ के रिटर्न -10.90%, वन ईयर 46.20%, पी रेशो 37.74, पी बी रेशो 4.90, शेयर होल्डर्स 1.8 लाख से एंड अदर थिंग्स। तो इसका भी आप देख सकते हैं ग्राफ कैसे चल रहा है। तो ये पूरे डिटेल में हो गए कि एनालिसिस, मैंने फंडामेंटल्स बताए कि हर एक कंपनी के मार्केट कैप कितनी है, लोएस्ट 52 वीक, हाईएस्ट ये भी देखा आपने, और वन मंथ में और वन ईयर में कितना आपको रिटर्न देता है, पी रेशो पी बी रेशो, दीज आर द मेन क्राइटेरिया। इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी या नहीं। तो अब मैं 5 स्टॉक बताऊंगा इसमें से जो आपको बहुत ही अच्छे रहेंगे इस सभी के परफॉर्मेंस चेक करने के बाद। तो पहले आते हैं डिवीज लैब। अब डिवीज लैब क्यों, क्योंकि ये API में मैन्युफैक्चरिंग करती है और अभी करंट में API के बहुत सारा एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। सो इसके आगे भी और भी ज़्यादा होगा। सो दिस इज एक्सलेंट परफॉर्मिंग कंपनी। यहाँ पे अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो वो भी हैंडसम डिविडेंड है, बहुत ही अच्छे हैं। एंड देन आफ्टर कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो डेबिट बहुत ही कम है और मैनेजेबल है, इवन दो ये होंगे तो। नेक्स्ट स्टॉक आता है बायोकॉन। बायोकॉन क्योंकि यहाँ पे प्राइस पर अर्निंग ये बहुत ही हाईएस्ट है, ये आप देख सकते हैं कि लगभग 5 साल में 300% आपको ये कंपनी रिटर्न दे सकती है, ऐसे दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर ये कंपनी परफॉर्मिंग बहुत ही अच्छी कर रही है, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है और इसकी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, और आगे जाके और भी इसके प्लान भी बहुत ही नए कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। सो आई सजेस्ट बायोकॉन ऑल्सो इज गुड टू इन्वेस्ट राइट नाउ। नेक्स्ट कंपनी आती है अल्केम। अब अल्केम कंपनी क्यों, क्योंकि इबिटा रेशियो ये इसका अच्छा है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ये अच्छा दिखता है। इसके बाद फंडामेंटल्स की कंपनी के स्ट्रांग है, इसके डेबिट है वो भी मैनेजेबल है, और आने वाले सालों में ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। उसके बाद कंपनी आती है सिप्ला। सिप्ला ये वेल ट्रस्टेड ब्रांड बहुत सालों से चलता आ रहा है एंड इसका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ये इन्वेस्ट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कंपनी की इतने पोर्टफोलियो, इतने अच्छे ब्रांड है और इसके कंपनी के एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है ज़्यादा, तो कंपनी के एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उस पे भी शेयर्स के प्राइस और डिटरमाइन होते हैं। आगे जाके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो सिप्ला इज ऑल्सो गुड। एंड देन आफ्टर लास्ट इज सन फार्मा। सन फार्मा ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंपनी, नंबर वन की इंडिया की कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए ये भी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि अभी इनका हेलोल का प्लांट जो री इंस्पेक्ट हुआ था USFDA की तरफ से, और उनका जो नया ब्रांड है डर्मा का MK222 ये भी लॉन्च होने जा रहा है, तो वो लॉन्च होने के बाद और भी ज़्यादा शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। तो आगे और भी अनाउंसमेंट इन कंपनीज की है क्योंकि एक्सपोर्ट में ज़्यादा ये फोकस कर रही है। सो डेफिनेटली आई प्रेफर सन फार्मा is also best to invest। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कि आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी कौन से फार्मा का स्टॉक अच्छा है इन दिनों आप इन्वेस्ट करने के लिए। सो डेफिनेटली आपका फेवरेट स्टॉक बताइए, और आपको और कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है myfarmacareer2@gmail.com, यहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, be happy।